मुठभेड़ में 41 गोवंशीय व 1 किलो मार्फीन अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3 करोड़ के साथ 4 अंतरजनपदीय तस्कर गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा लोकसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत मार्फीन पशु तस्करों अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत जैतपुर थाना को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर एक कंटेनर व एक ट्रक में कुछ लोग गोवंशीय पशुओं को लाद कर ले जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम हरक चौराहे पर रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद ट्रक चालक ने आरिफ ने पुलिस पर ट्रक चढ़ाकर जान से मारने का भी प्रयास किया, किंतु पुलिस टीम ने बहादुरी दिखाते हुए ट्रक व कंटेनर को रोक लिया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा 4 अभियुक्त सोहेल सोबराती, आरिफ इकराम को 41 गोवंशीय व 1 किलो मार्फीन 2 तमंचा के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अधीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने 41 गोवंशीय पशु इटावा से बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। यही नहीं, रास्ते में पड़ने वाले बाराबंकी से ये लोग मार्फीन भी लेकर जाते थे। तलाशी में इनके पास से 1 किलो मार्फीन बरामद हुई है। पुलिस ने इन्हें पकड़ ना सके, इसके लिए ट्रक व कंटेनर पर फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते थे। बाराबंकी से रजी सिद्दीकी की रिपोर्ट। और हमारी अन्य टीम के द्वारा सीओ सदर और एडिशनल एसपी साउथ साहब के निर्देशन में 2 गाड़ियां चेकिंग के दौरान भागी। उनका पुलिस ने पीछा किया, जिसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान उनके पास से 41 गोवंशी पशु निकले, जिनमें कंटेनर में थे। उनके पास फर्जी नंबर प्लेट भी निकली, जो ये अंतर्राज्यीय जनपदों में ले जाते थे। और ये पता चला कि इटावा से ये पशु लाकर बिहार से होते हुए बंगाल की तरफ ले जाते थे, इटावा के आसपास के जिलों से। और इसी दौरान इनके पास से आधा आधा किलो मॉर्फिन भी निकली और इनके पास से तमंचा भी मिला। और इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से 2 शामली के रहने वाले हैं और जिनका नाम सुहेल और इकराम है, और सुगराती है जो अमेठी का रहने वाला है, आरिफ है वो सहारनपुर का रहने वाला है। चारों को गिरफ्त में ले लिया गया।